लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से रह लोगी? कितनी धोखेबाज, मौका परस्त और एक नंबर की झूठी हो तुम फिरोजे। तुम्हें यूं ही छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। क्या फजूल बकवास किए जा रही हो और मेरे घर तक कैसे आ गई लैला? मासूम मत बनो मेरे सामने। तुम सब कुछ हो सकती हो लेकिन मासूम हरगिज नहीं। मीटिंग में आकर शोर करना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना फिरोजे? कान को इम्प्रेस करना था ना, सो कामयाब हो गई तुम। अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो और मैं हार मान लूंगी तुमसे? इस गलत फहमी में हरगिज मत रहना, याद रखना मैं कहान को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मजीद बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें फिरोजे। ये जंग शुरू तुमने की है लेकिन याद रखना इसे खत्म मैं करूंगी। फिरोजे बात सुनो, तुम निकल चुकी हो क्या? नहीं मेहमत, अभी नहीं निकली मैं। वो मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि... अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम मत निकलना। मैं खुद आकर तुम्हें पिक कर लेता हूँ। अच्छा है, इससे तुम थकोगी भी नहीं। और मेरे पास ना करने को इतनी बातें हैं कि तुम ना हैरान रह जाओगी सुन के। फिरोजे? हेलो, सुन रही हो? तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं कोई खास बात नहीं है। फिर मैं निकल रही हूँ अभी, तुम मत आना, ट्रैफिक वगैरह वैसे ही बहुत होगा इस वक्त। मैं पहुंच जाऊंगी। चलो जैसे तुम चाहो। फिरोजे, फिरोजे मेरी बात सुनो। फिरोजे, फिरोजे रुक जाओ। फिरोजे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज एक दफा रुक जाओ, बात सुन लो प्लीज। भले उसके बाद बात मत करना, सिर्फ एक मिनट। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिनट भी नहीं है, जितने घटिया इंसान तुम हो। मैं जानता हूँ फिरोजे, देखो बात सुन। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा झूठा इंसान हूँ, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले लेकिन एक मामले में झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ फिरोजे, और ये सच है, सच है ये। मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों का कोई असर नहीं पड़ता, समझ गए ना? लेकिन मुझे पड़ता है फर्क, तुम्हें क्यों नहीं पड़ता? वो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, दफा हो जाओ। अच्छा ठीक है, ये लो फिर सब खत्म करो फिरोजे, ये लो मार डालो मुझे। ये वही है जो तुमने अधूरा छोड़ा था ना, कर लो आज उसे पूरा एक दफा। फजूल बकवास मत करो मुझसे, मैं कह रही हूँ ना फजूल बकवास ना करो मुझसे। बस आखिरी दफा तुम मेरे साथ बैठो और मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये चाहता हूँ फिरोजे और कुछ नहीं। तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं मेरे साथ चलना होगा। हाँ, आपने छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, छोड़ो। आखिर मुझसे चाहते क्या हो, छोड़ दो मेरा हाथ, में कह रही हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना फिरोजे, बैठ जाओ प्लीज। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे तुम? मेरे लिए एक बहुत खास जगह है वहाँ, जहाँ तुम मेरी बात सुकून से सुन सकोगी बैठ के, ठीक है?
भाई चिदम घर वापस आ गई है भाई, आप फिक्र मत कीजिए। मगर ये नहीं बताया कि वो कहाँ थी। खैर वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो ठीक है, काफी है। भाई आप रो रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। मैं थका हुआ हूं, आराम करूंगा। खबरदार हिम्मत नहीं मत करना, मैं तुमसे बात करने आई हूँ इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। नहीं मैं कोई भी मतलब नहीं निकाल रहा, मैं तो बस सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था कि हम दोनों सच में साथ हैं या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। यहीं कहीं बैठ के बात करनी है तो कर लो, ज्यादा दूर नहीं जा सकती मैं। यहाँ इतने रश में तुम्हें कोई ऐसी जगह नजर आ रही है जहाँ हम सुकून से बात कर सके? और वैसे भी ये मौका बहुत मुश्किल से मिला, आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्यों, दूर जाने की असल वजह क्या है? लैला देख लेगी, हाँ हर्ट होगी वो, एतबार नहीं करेगी तुम्हारा, लोग बातें करेंगे, बदनाम हो जाओगे, इसलिए लेके जा रहे होती हूँ। फिरोजे मैं बस ये चाहता हूँ कि जब तुम मुझसे बात कर रही हो तो मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनूं और कोई आवाज़ ना है मुझे, क्योंकि बाकी सब शोर शराबा लगता है मुझे। पता है तुम्हारी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, किसी एक बात का भी कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रही हूं, क्यों सुन रही हूं तुम्हारी बात मुझे नहीं पता। हो सकता है कि ये सब आखिरी बार हो फिरोजे, तो इसलिए तुम चाहो तो मेरी तरफ ना भी देखो, बस बात सुन लो, ये तो कर सकती हो ना, क्योंकि तुम जो समझ रही हो वो शख्स मैं हूं ही नहीं। ये यकीन दिलाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो दूंगा मैं। खुशामदीद, कोई रिजर्वेशन है क्या? जी मेरा नाम मेहमत यावेज है, दो लोगों की रिजर्वेशन है। आइए मेहमत साहब मैं आपको ले चलता हूँ। शुक्रिया। ये टेबल आपकी है। शुक्रिया। कोई बात नहीं मेहमत साहब, उनके आने से पहले अगर आप कुछ पीना चाहेंगे तो बताइए। नहीं भाई, उसके आने से पहले मेरे हलक से कुछ उतरेगा नहीं। जी ठीक है। यहाँ कोई रश नहीं, यहाँ रुक कर बात कर लेते हैं जो भी करनी है। मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ ऐसा ही है ना, मुझे वापस जाना है, अपने दोस्त से वादा कर आई थी, जाने दो मुझे। अब बहुत देर हो चुकी है फिरोजे, शायद दूसरा मौका ना मिले। रुको, सबर क्यों नहीं है तुम्हें, क्या हो गया? हम बस पहुँचने वाले, रुक जाओ रुक जाओ। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों आ गई तुम्हारे साथ? तुमने मजबूर किया है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी फिरोजे, तुम तक अपने दिल की बात सुकून से पहुंचा सकूं इसलिए तुम्हें दूर लेकर जा रहा हूं। सबर रखो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मेरी मोहब्बत सच्ची है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें तकलीफ देने का, हो गई है मुझसे गलती, ये भी जानता हूं कि उस गलती की कोई तलाफी नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे मौका तो दो। नहीं लग रहा है मेरा दिमाग किसी और काम में, और तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो फिरोजे। मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ फिरोजे। वैसे कौन वेट कर रहा है तुम्हारा, बाहर है क्या? तुमसे मतलब? कोई और है क्या? अरे तुम्हें क्या, देखो यार वो मुझे मुसलसल कॉल कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है मेरा, ये बुरी बात है। बिल्कुल भी नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा मेरी बात सुने बगैर, समझ में आई बात तुम्हें? तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, हाँ चाहते क्या हो आखिर, अपने साथ ले आए, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है, कोई मसले की बात तो नहीं है ना? मैं माफी चाहती हूँ मेहमत, मैं नहीं आ पाऊंगी।
जी फरमाइए सर। कहाँ हो मेवत? मैं बाहर हूँ, क्या हुआ, खैरियत तो है? लोकेशन भेजी है, फौरन आओ, बात करनी है। देखिए सर, मैं अभी बिल्कुल फारिग नहीं हूँ, बाद में आ जाऊँ मैं। बाद में क्या करोगे, घर जाके रोगे क्या अपनी बेबसी पर? खैर परेशान मत हो, मुझे मालूम है तुम किसके पीछे हो। जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, और मैं वैसे भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरी बातों से अगर फायदा ना हो तो आंसू साफ करने के लिए एक टिश्यू पेपर का पैकेट ले लेना। आता हूँ। चलो उतरो फिरोजे, थोड़ी देर की बात है। आ जाओ फिरोजे, जल्दी करो यार। फिरोजे फिरोजे बाहर आओ, आओ ना जल्दी। मसला क्या है, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जान जाओगी थोड़ी देर में कि क्यों आए हम यहाँ। क्या है ये सब? हाँ, अपने डर का एतराफ, ये है तुम्हारी असलियत। या तो किसी राज के पीछे छुपते फिरते हो, या फिर बात करने के लिए इतनी दूर लेकर आ जाते हो। आखिर मसला हाँ, क्या हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ फिरोजे। सही कहा, लेकिन वो सब कुछ यहाँ आने से पहले तक था, अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, जो मैं तुमसे कब से कहना चाह रहा हूँ बस। चार महीने कहाँ चली गई थी तुम्हारी अकल? अभी दिमाग आया है क्या तुम्हारे पास? अगर आज भी हम दोनों उस फेरी में दोबारा मिले ना, शायद मुझे तुमसे फिर प्यार हो जाएगा फिरोजे, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि महीनों बेवकूफ बनाते रहे हो तुम मुझे। क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? हर दिन मैंने तुम्हें सच बताने की बहुत कोशिश की। मैं हर दिन एक नए अजाब से गुजरा हूँ। शुरू में तो मैं समझ भी नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा है, और जब समझ आया तो मुझसे नहीं बताया कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। तलाक दे देते ना, तलाक दे देते अगर बता नहीं पा रहे थे कि शादीशुदा हो। मुझे पता लगने पर क्या तुम्हें समझ आई होगी। तुम इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तो बताओ मुझे लाए ही क्यों यहाँ पर, अगर बताना नहीं है मुझे तो। मेरे ख्याल से तुम्हें पता नहीं है कि अजनबियों के साथ शादी करने से क्या होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ फिरोजे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी मुश्किलात होती है। ये किसी सहरा में कोई चश्मा ढूंढने जैसा लगता है। कुछ भी हो जाए, अगर कोई लड़की मोहब्बत ना करती हो तो इतने दुख कभी ना सहे वो। कोई मोहब्बत नहीं करती, कोई प्यार नहीं करती, वो तुम्हें नहीं पता। इन लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों ही, वो चाहकर भी प्यार नहीं कर सकते। ये है मेरी जिंदगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। फिरोजे मेरी तरफ देखो। फिरोजे तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत फजूल सी थी, लेकिन फिर जब तुम आई जिंदगी में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरा दिल दोबारा धड़कना शुरू हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ फिरोजे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, मुझे भी बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। हम साथ में बहुत खुश रहें। चुप हो जाओ। ठीक है, चुप हो जाऊंगा, लेकिन सुनो मेरी बात। क्या चाहते हो तुम, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मैं नहीं चाहती किसी का घर उजड़े मेरी वजह से। अरे कोई घर नहीं है मेरा, नहीं है कोई घर, और जो था वो उजड़ चुका है। हम अपनी बेटी से पहले भी बर्बाद ही थे फिरोजे। मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ फिरोजे, अंदाजा भी है तुम्हें कि उसको सिर्फ मुझे खोने का डर है बस। जानती हो कि वो भी सिर्फ उसकी अना है। बात सुनो, लैला मेरी बेटी की माँ थी। अगर मैं उसे ये बात नहीं समझा पाया तो उसके पीछे एक वजह थी, और वो वाहिद वजह हमारी बेटी थी। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। प्यार से डरती हो ना तुम, क्यों? तुम वो नहीं हो जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। हाँ तुम्हारे जैसा दिखता था, तुम्हारी तरह हंसता था, तुम्हारी तरह मुस्कुराता था, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम तक नहीं ले पा रही हूँ मैं। तुम्हारा ख्याल आता है तो तुम्हारे झूठ भी याद आते हैं मुझे। तुम वो इंसान नहीं हो। या मेहमत, हर कोई तुम्हारी तरह मासूम थोड़ी होता है। जो कुछ नजर आ रहा है इसके पीछे हकीकत क्या है? कहा था कि आंखें खुली रखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, फिरोजे ऐसी लड़की नहीं है, वो इस तरह के आदमी के साथ डेट पर नहीं जा सकती। कैसे जानते हो?
किसी को भी नहीं जान सकते क्योंकि बाज़ औकात नजर धोखा खाती है। वो फिरोजे है और मैं उसको जानता हूँ। फिर भी सुनने पर नहीं देखने पर यकीन रखो, इसलिए तुम्हें जाकर देखना चाहिए। फिरोजे ने उसको चाकू से जख्मी किया, शायद धोखा दिया हो उसने, शायद वो उसको दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इसमें फिरोजे का कोई कसूर नहीं। मैं क्या कहूं यार तुम्हें, शाबाश है तुम पर। इश्क अजीब चीज है, फजूल में दूर नहीं हूं मैं। इंसान के सेंसेस काम करना छोड़ देते हैं, समझ में ना आने वाली बात है ये। अब समझा हूं मैं। उसने मुझे मैसेज किया कि वो नहीं आ सकती, फोन बिजी हो गया, शायद उसने रोका हो या उसने लिखा हो मैसेज। हाँ मैं भी यही कह रहा हूं, जब से जिसे चाहते हो उसी पर यकीन करते हो। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अभी फिरोजा के पास जाना है और उसको उस इंसान से बचाना है मुझे, समझे आप? ठीक है हीरो, साथ चलते हैं। मैं नहीं चाहता तुमसे कोई हादसा हो। तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन शायद अंदर से तुमसे ज्यादा टूटा हुआ। अगर तुम्हें बता दिया होता तो तुम चली जाती, इसीलिए डरता था कि शायद हम साथ ना रह पाते। कोशिश तो करते तुम। अब जो पूछूंगा मुझे सच बताना फिरोजे, अगर तुम्हें बता देता तो तुम मुझे छोड़कर चली नहीं जाती, रहती क्या उसके बाद मेरे साथ? सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये सोचती कि तुम ईमानदार हो, कहती कि मेरे साथ कोई खेल नहीं खेला। कहान, हमारा नामुमकिन रिश्ता है। नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मरने से बचने के सिवा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम मेरी सिर्फ बर्बादी हो। मत जाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा फिरोजे को। किरमोलू खतरनाक है मेहमत। इस दुनिया में अगर काबिल भरोसा सिर्फ वही रह जाए तो किसी जजीरे पर जाकर चारों तरफ दीवारें बनाकर किसको बिठाओगे पहरे पर, कहीं आ तो नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की उसे पसंद नहीं करती फिर भी उसको उठा के ले गया वो कमीना। आखिर ऐसा किस चीज का घमंड है उस कमीने को? वो लड़की पाक है। अरे वो लड़की तो बस अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती है। बहुत शरीफ लड़की है, बहुत ही नायाब लड़की। मेरा यकीन है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस लड़की का। वो कुछ ना कुछ करके निकल ही आएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो इस लम्हे को मैं यहां रोकने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं फिरोजे। सिर्फ यही लम्हा मेरे लिए इतना काफी है कि तुम मेरे साथ हो। तुम पास होती हो तो सब मुमकिन लगता है, और जब तुम नहीं होती तब मैं इतना बिखर जाता हूं कि बता नहीं सकता तुम्हें। ये इतना मुश्किल क्यों है आखिर? ये जीने का मुझे कोई बदला क्यों देना पड़ेगा बताओ? सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। आपको कैसे पता कि वो लोग यहां पर हैं? तुम्हारा सवाल बता रहा है कि तुम अभी तक समझे नहीं मेहमत। मैं भरोसे के लायक हूँ। आस पास उड़ने वाली मक्खी खून की तलाश में उड़ रही है या फिर सिर्फ कोई गंदगी ढूंढ रही है या फिर ऐसे ही उड़ रही है, फौरन समझ जाता हूँ। मेरी नाक बहुत तेज है। अब नेविगेशन की तरफ आते हैं।
मेरा भी पीछा करवाते थे क्या? नहीं, तुम पर भरोसा है तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। आपको कैसे पता कि मैं फिरोजे से मिलने वाला हूँ? देखो, ये बस एक इत्तेफाक था। समझो, टनल का इख्तिताम तुम्हारी तरफ है। मैं कहान की तरफ से किसी हरकत का मुंतजिर था, पर ये जानने में जरा वक्त लगा कि तुम उस लड़की को जानते हो। जैसे तुम अपने प्यार के लिए कोशिश कर रहे हो, इसी तरह मैं अपनी बहन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और हमारा दुश्मन भी एक ही है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यहां है, जानने के लिए तैयार हो जाओ। इसका यहां क्या काम है? अगर किसी जंग की तैयारी है तो अपने हथियार अपने पास रखो। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा पर्सनल मामला है, आपस में निपटा लो इसे। अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। मुझे जाना होगा। जानता हूं, अभी नहीं। क्या कर रही हो? महसूस कर रही हूं जहन में, रूह पर, दिल पर, कभी ना भूलने के लिए। मत करो फिरोजे, ये कोई आखिरी मुलाकात नहीं है हमारी। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारा बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा फिरोजे, वादा करता हूं। लेकिन एक वादा तुम भी करो मुझसे, जब तक तुम मुझे जरा सा भी नहीं भूलोगे। करो वादा मुझसे। वादा करती हूं।